झारखंड एक सुर में कह रहा है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में पूरी ताकत से बोलिए सर, रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। साथियों, भाजपा के लिए आदिवासी भाई बहनों की आकांक्षा, उनका स्वाभिमान हमेशा सर्वोपरि रहा है। जब पहली बार भाजपा सरकार बनी, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी को सेवा करने का अवसर मिला, अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर के आदिवासी समाज को अलग राज्य मिले। छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये दो राज्य बनाने का सौभाग्य भाजपा को ही मिला है। बीते दशक में हमने आदिवासी समाज के योगदान को देश दुनिया के सामने रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। रांची में धरती आबा बिरसा मुंडा का इतना भव्य संग्रहालय बनाया है। हमने ही भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है और इस बार तो 15 नवंबर से धरती आबा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू होने वाले हैं। आने वाले 2 सालों तक ये उत्सव देश के हर कोने में चलेगा, पूरे देश भर में चलेगा। आदिवासी समाज के एक सपूत ने देश के लिए कितना बड़ा योगदान किया, इससे देश का बच्चा बच्चा परिचित होगा। साथियों, ये क्षेत्र हो भाषा, इससे समृद्ध क्षेत्र है। यहां की पहचान हो भाषा से है और आप तो जानते हैं, हमारी सरकार लगातार मातृभाषा पर बल दे रही है, मातृभाषा का सम्मान करती है। हो भाषा को बहुत अपमान झेलने से पड़े हैं, उपेक्षा झेलनी पड़ी है। अब ये मोदी की गारंटी है, हो भाषा का ये अपमान का समय खत्म होगा, हो भाषा को उचित सम्मान मिले, यहां की और भी भाषाओं को उचित सम्मान मिले, इसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और पूरा प्रयास करने का वादा करते हैं। ये विकास भी और विरासत भी, ये हमारे संकल्प को मजबूत करने वाली बात है। साथियों, भारत के इतिहास में कांग्रेस और आरजेडी, इनसे बड़ा आदिवासी विरोधी कोई नहीं हुआ।
ये जो हमारे नौजवान है इनको वो पुराने दिन याद दिलाना जरूरी है। 80 के दशक में जब बिहार और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, झारखंड तब अलग नहीं हुआ था, बिहार का हिस्सा था, और तब क्या हुआ था आप जरा अपने माता पिता अपने दादा दादी से पूछिए, अपने गांव के बुजुर्गों को पूछिए, उनको गुवा गोलीकांड जरूर याद होगा। जिस तरह की बर्बरता अंग्रेजों ने की थी वैसी ही बर्बरता यहां कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों का खून बहा करके थी। यहां कांग्रेस सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को गोलियों से भून दिया था। हमारे वो आदिवासी पूर्वज सिर्फ अपना हक मांग रहे थे, वो अलग झारखंड राज्य मांग रहे थे। मत भूलिए, तब आरजेडी के नेता भी कहते थे कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगा। आपकी आकांक्षाओं से, आपके सपनों से इतनी ज्यादा नफरत है इन लोगों को। और देखिए, जो आरजेडी झारखंड बनाने को सहमत नहीं था, झारखंड बनाने की बात करने वालों को कुचलना चाहता था, उस आरजेडी की गोदी में कौन बैठा है? जेएमएम जाकर के उनकी गोदी में बैठ गया है। कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन है। और जेएमएम की सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है। जिस कांग्रेस के दामन पर आदिवासियों के खून के छींटे हैं, आज जेएमएम उसी के कंधे के सहारे सरकार चला रही है। जिन्होंने झारखंड का हमेशा विरोध किया, जेएमएम ने सत्ता के लालच में उन्हीं को गले लगा दिया। झारखंड राज्य के लिए अपना बलिदान देने वालों का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। साथियों, भारत को विकसित बनाने के लिए आदिवासी समाज का विकास और मुख्य धारा से आदिवासी को समाज को जोड़ना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह आदिवासी समाज की उचित भागीदारी के बिना संभव नहीं होगा। इसलिए भाजपा ने, एनडीए ने आदिवासी भागीदारी पर हमेशा बल दिया है। अभी हाल में ही भाजपा ने हमारे पड़ोस में एक आदिवासी नौजवान को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, हमारे साथ जुड़ा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी साथी है। अनेक राज्यों में आदिवासी संतान राज्यपाल के नाते, गवर्नर के नाते उन राज्य सरकारों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर आज मेरे आदिवासी भाई बहन उसका नेतृत्व कर रहे हैं।
आज देश भर के आदिवासी कल्याण की जिम्मेदारी उड़ीसा के हमारे ज्वेल ओराव जी और मध्य प्रदेश के हमारे दुर्गादास उइके जी के पास है। देश भर को पोर्ट शिपिंग के विकास की जिम्मेदारी, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया से जोड़ने की जिम्मेदारी हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, जो आदिवासी समाज का गौरव है, वो संभाल रहे हैं। देश में महिला और बाल कल्याण की जिम्मेदारी हमारी आदिवासी बहन सावित्री ठाकुर जी के पास है। साथियों, दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी को देखिए, कांग्रेस ने किसी आदिवासी को अपना अध्यक्ष नहीं बनने दिया, कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी बेटे बेटी को देश का राष्ट्रपति भी नहीं बनने दिया। इतना ही नहीं, हम जब एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने निकले तो उन्होंने उनका भी घोर विरोध किया, उनको पराजित करने के लिए षड्यंत्र किए।